अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके साथ। दोस्तों टॉपिक यह है कि टैक्स खोर फौज, बहुत सुना है ये, मतलब जब से हम होश संभाला है यही सुना है कि टैक्स खोर फौज, टैक्स खा गई हमारा, टैक्स खा गई। ठीक है, हम टैक्सों पर पलती फौज, हमारे टैक्सों से ली गई बंदूकें, हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेती फौज, हमारे टैक्स, ये गर्दान आम सुनी होगी आपने। लेकिन दोस्तों मगर हमने कभी हिसाब किया है? चनाचा आज मैंने सोचा कि आप अहबाब के सामने फौज की टैक्स खोरी का बांडा फोड़ ही दूं कि ये इतना टैक्स हमारा जो खा रही है वो क्या है। तो पहले तो ये भी जो रट लगाई थी कि ना, काफी अरसा पहले तो ये हम सुनते रहे ना कि 70 से 80% बजट जो है वो फौज खा गई फौज, लूट गया पाकिस्तान को फौजी जो है। खैर, जब इस चोल के बाद जवाब में इन दानिश्वर हजरात की फिगर्स निकाल कर दिखाए गए तो वो जो है ना, उनके जो बूथे शरीफ थे वो तो बंद हो गए, क्योंकि लिस्टेड जो बजट में तमाम तर इंक्रीमेंट लगाने के बाद भी टोटल 18% ही बना, इससे ज़्यादा नहीं बना आज तक। तो अब वो 18% जो बजट है और वो जो 18% वो टैक्स जो हमारे टैक्स का पैसा वो जो खाते हैं तो वो कहाँ लगाते हैं, आज हम उसका हिसाब करेंगे। 8 लाख की फौज है आपकी दोस्तों, 8 लाख की फौज है, उसकी नकलो हरकत के लिए गाड़ियाँ, ठीक है, इन 18% में, ठीक है, हज़ारों गाड़ियों का फ्यूल इनमें, हज़ारों गाड़ियों की मेंटेनेंस रिपेयर्स वो सब इसमें, मेडिकल इसी में, 8 लाख फौज है उसका मेडिकल, अद्वियात, मशीनरी, मिसाइल, रॉकेट, बम, बंदूकें, गोलियां, टैंक सब इसी में, ठीक है, तोपें इसी में, मार्टर इसी में, रहायश इसी में, 8 लाख फौज की रहायश इसी में, सब कुछ इसी में, उनका खाना इसी में, 8 लाख फौज के यूनिफॉर्म इसी में, ये जो कैंप हैं इनकी तामीरात, बंकरों की तामीरात सब इसी में, ठीक है। ये देख लें कि जो पेंसिल है ना, पेंसिल, कुर्सी, फर्नीचर, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी 18% में से हैं, ठीक है। तमाम तर फौजी जवानों की ज़मीनी, हवाई, बहरी ट्रेनिंग इसी में, तीनों फौजों की, तीन फौजें आपकी, ठीक है, और उसके बाद तीनों फौजों की सब कुछ इसी 18% में से, ठीक है। आपका मोबाइल से लेके फील्ड, हर चीज़, वॉकी टॉकी, ये कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स, ये सब इसी के अंदर 18% के अंदर हैं। आपके फाइटर जेट, आप एक फाइटर जेट की कीमत देख लें कितनी है, उसका एक मिसाइल की कीमत देख लें कितनी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका मिसाइल यूज़ हुआ है पिछले दिनों, आप 27 फरवरी को आपने जो एक इन दो इंडियन जो एयरक्राफ्ट गिराए हैं, उन एयरक्राफ्ट को हिट करने वाला जो मिसाइल है AIM-120 जो अमेरिकन मिसाइल है, उसकी जो कीमत है वो आप देख लें, उसकी कीमत MiG-21 से ज़्यादा है, ठीक है। उसकी कीमत जो है वो 3 बिलियन कीमत है उसकी, 3 बिलियन एक मिसाइल की कीमत है, आप खुद सॉरी 3 मिलियन उसकी कीमत है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसकी जो, उस मिसाइल की जो कीमत है वो 3 मिलियन है, और आपका जो जो MiG-21 है वो 2.5 का है, तो उससे ज़्यादा उस मिसाइल की कीमत है। इतने महंगे सिस्टम्स हैं ये जिन्हें यूज़ किया जाता है जंग में। तो आप एक मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये इस 18% में आता है। और उसके बाद आप ये देखें जो F-16 है वो कम से कम 10 लाख का खर्चा लेता है एक घंटे की परवाज़ पे। F-16 आपके पास 75 F-16 है, और JF-17 जो है वो 5 से 6 लाख का खर्चा लेता है, ठीक है। 5 से 6 लाख रुपए की उसका जो है वो खर्चा है वो एक घंटे का फ्यूल का, एक घंटे का उसका फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस जो सब आता है एक घंटे के ऊपर, इस ये सारा इस 18% में आता है। आपके पास 100 के करीब JF-17 है। अब आप ये देख लें कि इन्हें ये जो टैक्स खोर, टैक्स खा गई, ये जो बोलने वाले लोग हैं, इन्हें आप बताएं, इन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ भाई बताओ ये 18% में ये सारी चीज़ें हमारी फौज जो है वो अफोर्ड कर रही है। अच्छा, कुछ ये नहीं, खुदाया इन्हें ये
समझाया जाए, यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं है। ये जो हमारे बच्चे बच्चे को इन्होंने ये जता दिया ना कि 80% बजट खा गए, 80% बजट खा गए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जो हर बच्चा जानता है कि भाई ये जो है ये फौजी खर्चे होते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सी चीज़ें जो मैंने नहीं गिनवाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है यार ये तो आम खर्चे हैं फौज के, ठीक है। तो ये खर्चे इन 18% में पूरे नहीं होते, लेकिन हमारी फौज है वो पूरे कर रही है, ठीक है, अल्लाह उन्हें और तौफीक दे। लेकिन इसके बाद जो असल खर्चे हैं जिनके ऊपर कोई हिसाब ही नहीं है, वो भी इसी 18% में आ रहा है। आपका एटम बम बनाना, उसकी कीमत, उसकी हिफाजत की कीमत, उसकी हिफाजत के लिए टीमों की कीमत, ठीक है, वो सारा इसी 18% में आ रहा है। आप खुद सोचें कि अरबों बिलियंस डॉलर जो है वो अमेरिका, रूस, भारत, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ इस बात पे लगा चुकी हैं कि किस तरह से पता चल सके कि पाकिस्तान के एटमी असासे कहाँ पड़े हुए हैं। अभी तक वो लोग ये नहीं जान सके, तो उन एटमी असासों को महफूज बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं सर, उनकी हिफाजत करने के लिए भी पैसे लगते हैं, और उस पर भी अरबों डॉलर ही खर्च होते हैं, तो वो भी इन 18% में से ही जा रहे हैं, ठीक है। फौज बॉर्डर पे खड़ी है, फौज समंदर में उतरी हुई है, फौज फ़ज़ा में है, फौज सियाचिन की बुलंद तरीन पहाड़ियों पे है, सिब्बी की तपती हुई धूप में है, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है लड़ रही है, इंडिया अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ 24 घंटे महाज में है, आलमी जो ताकतें हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जो यहूदियों की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, सोनी ताकतें जो हैं वो इस सरजमीन को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं, एटमी असास जो असासे हैं उन्हें ख़त्म करने पे तुले हुई हैं। इन सब पे जो है वो यही 18% जो है वो यूज़ हो रहा है। और जिन सियासतदानों के ये लोग तलवे चाटते हैं, इनको जो हम लोगों ने इतना पैसा दिया हुआ है, 82% बाकी इन्हीं के पास होता है ना। फौज इस जो 18% है उसके अंदर देख लें, ऑपरेशन जरबे अजब, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन खैबर 1, 2, 3, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जंजले, सलाब, बारिशों, तूफान, हादसात, इलेक्शन, हर जगह पे आपकी फौज यूज़ हो रही है, ठीक है, वो इसी 18% में से ही है ना, ठीक है। ये सारे काम जो थे ये किसने करने थे, ये सिविलियन ने करने थे। 82% जो खा के बैठे हुए हैं उन्होंने करने थे, उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, ठीक है। फिर ये जो रेस्क्यू के जितने काम हैं ये सारे आपकी फौज करती है, फिर भी जो है ना इन लोगों के खिलाफ बकवास की जाती है। ये जो लोग भोंकते हैं इन्हें हमें खुद खामोश करवाना है, ठीक है। इस फौज पर जो अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं, ये फौज जो है, फौजी जो है, वो ईद हो, शबरात हो, कुछ भी हो, वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, वो तो कोई छुट्टियां नहीं ना लेके आते। इस फौज पर जो हमारे बच्चों की हफाज के लिए 6 6 महीने, ठीक है, अपने बच्चों से दूर रहते हैं, उन्हें चेहरा तक नहीं दिखाते, ये लोग उन पर बकवास करते हैं, ठीक है। इन फौजियों पर जिन्होंने अपने जो है वो पेट काट के एक एक दिन की तनख्वाह जो है इस पाक सरजमीन के नाम की, तमाम तर जो है वो अपना सब कुछ जो है वो इस ज़मीन के नाम कर देते हैं, और ये लोग फिर भी उन्हें टैक्स खोर कहते हैं। लानत है यार इन लोगों पे। ये वो फौज है जिसने तुम भूखे जो ये जो भूखे लोग हैं ना जो भोंकते हैं, ठीक है, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि ये 18 रुपये जो है देते हो ना इससे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन हमारी फौज है जो गुजारा कर रही है। अच्छा, अब ये लोग जो हैं ये जो भोंक रहे हैं इन्हें हड्डी कौन डाल रहा है, वही 4 मुल्क, अमेरिका, इसराइल, भारत, तो ये लोग इन्हें हड्डी मिलती। अच्छा, इन लोगों के जो बजट है ना जो इन लोगों को मिल रहा है असल में वो इस 18% से भी कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग भोंकते हैं। ये लोग उन 82% वालों पे तो नहीं भोंकते, क्योंकि वो लोग भी इन्हें उतना ही पैसा दे रहे हैं, अरबों रुपये ये लोग खा रहे हैं। ये आपके जितने भी मीडिया हाउसेज हैं ये सारे इस इन्हीं दहशत गर्दों में शामिल है, ये जितने मीडिया एंकर्स हैं सब दहशत गर्द हैं, जो फौज के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है। ये क्यों बात करते हैं, ये इन्हें बाहर से पैसा मिल रहा है, इन्हें इन्हें वो कुत्तों को वो हड्डी मिल रही है जिसकी वजह से वो भौंक रहे हैं, ठीक है। अब मीडिया वाले बोलेंगे क्यों नहीं, भाई जहरी बात है 97% जो मीडिया हाउस है पूरी दुनिया का वो यहूदियों के अंडर है, तो वो लोग तो उन्हीं की बात सुनेंगे ना। तुम हिसाब लो इन 80% लोग जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, इनके जो पास जो अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, ये
सारा निज़ाम इन लोगों ने जो है वो बट्ठा बैठाया हुआ है, सारा निज़ाम अवाम को जलील करते हैं, ठीक है, हज़ारों रुपए से शुरू होते हैं और करोड़ों अरबों रुपए तक ये रिश्वत लेते हैं, टैक्स खा जाते हैं, फिर अवाम को ही गालियां देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों से कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, हमें इन लोगों से हिसाब लेना है। ये फौज से हिसाब मांगते हैं कि जो 18% देते हैं उसका हिसाब, तो मैंने उसका हिसाब दे दिया है, ठीक है। मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ और उसके लिहाज से मुझे अपनी फौज का दिफा करना है। फौज हफाज हमारा दिफा कर रही है, हमारी सरहदों की हिफाज कर रही है, और फौज का दिफा करना, ठीक है, वो हमारा फ़र्ज़ है और वो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जो है किन कौन लोग हैं ये। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो 82% लेने वाले जो बजट का इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इनमें वो पुलिस वाले भी होते हैं जो तुम नाजायज़ मुकदमात बनाते हैं, जो तुम्हारे बूढ़े बाप को घर से उठा कर ले जाते हैं, जो झूठे केस के तशद्दुद करते हैं, लाखों को उसकी रिश्वत लेते हैं, सालों तक जलील करते हैं, तुम्हारी सब कुछ जो है वो लोग ये ले लेते हैं और इज्जतें लूटते हैं। ये वही 82% टैक्स खाने वाले हैं जो हमें हमारे से टैक्स लेते हैं, वोट लेते हैं और हम ही पे गालियां देते हैं, हमारी इज्जतें लूटते हैं, हमारे ही जो है वो गिरबानों को ये लोग पकड़ते हैं। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस बात को छोड़ते हैं यहीं पे, आप लोगों पे फैसला है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या मैंने कोई बात गलत कही है इसमें। अगर कोई गलत बात कही है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये आज मैं ये वीडियो बहुत स्लो स्लो बनाई है और मैं हर बात सोच के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वो ही लोग हैं जो इस मुल्क का भट्टा बिठा रहे हैं, ये 82% जो बजट खाने वाले लोग हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बहुत अल्लाह का एहसान है कि एक अच्छी हुकूमत आई है, लेकिन वो टोला, वो ब्यूरोक्रेट्स का टोला, वो पुलिस वालों का, और वो जो सारे ये जलील नीचे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों का टोला जो इंडिया से, जो अमेरिका से, और जो एंकर्स हैं ये सारे, इनका ये टोला जो है ये जो बाहर की हड्डी, कुत्तों को जो हड्डी मिलती है उस पे भोंकने वाला जो है, ये ख़ास तौर पे उनके लिए वीडियो मैंने बनाई थी। तो आप लोग बताएं कि ये मैंने गलत है कहा है ये सही कहा है, क्यों? अगर सही है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI जिंदाबाद का नारा लगाएं, और कमेंट्स में ये तीनों नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान ISI जिंदाबाद, ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वर्दी में चलते फिरते लोग आम से दिखते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान करने पर राजी हो जाते हैं। उसे निभाना बहुत मुश्किल है। Nurse to the 47th Top Flying Wing. This is Flight Lieutenant Virani. अगर हम दुश्मन को पसपा करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो कि अब तक उनका ख्वाब रहा है। 3, 2, 1, strike!